गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर थर्ड। क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर थर्ड जिसका क्या नेम है? जिसका नेम है लिंग। क्या नेम है जिसका? लिंग। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम लिंग के बारे में पढ़ेंगे। आपने लिंग के बारे में सिक्स क्लास में भी पढ़ा होगा। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम लिंग के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो लिंग, सबसे पहले हमको ये देखना है कि लिंग किसे कहते हैं, लिंग की परिभाषा क्या होती है, लिंग कहते हैं किसको है। तो किसको कहते हैं लिंग? शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के, शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के स्त्री या पुरुषवाचक होने का बोध होता है। स्त्री या पुरुषवाचक होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? उसे लिंग कहते हैं। शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के स्त्री या पुरुषवाचक होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? लिंग कहते हैं। किसको कहते हैं लिंग? शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के स्त्री या पुरुषवाचक होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। उसे लिंग कहते हैं। लिंग में किसका बोध होता है? स्त्री या पुरुषवाचक होने का बोध होता है किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के स्त्री या पुरुषवाचक होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग के प्रकार, लिंग कितने प्रकार के होते हैं? लिंग दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं लिंग? लिंग दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला पुल्लिंग। पहला कौन सा होता है? पुल्लिंग। और दूसरा कौन सा होता है? स्त्रीलिंग। पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। लिंग किसको कहते हैं? शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के स्त्री या पुरुष होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के स्त्री या पुरुषवाचक होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। लिंग के दो प्रकार होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब हम पढ़ते हैं पुल्लिंग के बारे में। किसके बारे में? पुल्लिंग के बारे में। तो पुल्लिंग किसको कहते हैं? पुल्लिंग जिसके द्वारा पुरुष जाति का बोध होता है। जिसके द्वारा किसका बोध होता है? पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जिसके द्वारा पुरुष जाति का बोध होता है, जिसके द्वारा पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। और स्त्रीलिंग जिसके द्वारा स्त्री जाति का बोध होता है, जिसके द्वारा स्त्री जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। जिसके द्वारा पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जिसके द्वारा स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे राम क्या है? पुल्लिंग। लड़का राजा। घोड़ा हाथी। ये क्या है? ये पुल्लिंग शब्द है। क्या है?
पुल्लिंग शब्द है। इसमें क्या होता है? इसमें पुरुष जाति का बोध होता है। किसका होता है? पुरुष जाति का बोध होता है। और स्त्रीलिंग किसको कहते हैं? जिसमें स्त्री जाति का बोध होता है, जैसे सीता, जैसे सीता लड़की, रानी, रानी घोड़ी, घोड़ी हथिनी, हथिनी। ये क्या है? स्त्रीलिंग है, जिसमें स्त्री जाति का बोध होता है। जिसमें स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। निर्जीव या अचेतन पदार्थ भी पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होते हैं। निर्जीव या अचेतन पदार्थ भी क्या होते हैं? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे जैसे पत्थर, जैसे पत्थर पहाड़, घर। ये क्या है? पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग। जैसे सड़क, जैसे सड़क रस्सी, लकड़ी। ये क्या है? स्त्रीलिंग। क्या है? स्त्रीलिंग। निर्जीव या अचेतन पदार्थ भी क्या होते हैं? पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे पत्थर, पहाड़, घर। ये क्या है? पुल्लिंग। सड़क, रस्सी, लकड़ी। ये क्या है? स्त्रीलिंग। क्या है? स्त्रीलिंग शब्द। ओके। लिंगी पहचान तथा परिवर्तन के सामान्य नियम। अब हम क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? लिंगी, लिंगी पहचान, लिंगी पहचान तथा तथा परिवर्तन के नियम, परिवर्तन के नियम, लिंग की पहचान तथा परिवर्तन के नियम। जिन शब्दों के अंत में, जिन शब्दों के अंत में आ, पा या पन होता है, जिन शब्दों के अंत में क्या होता है? आ, पा या पन होता है, वे प्राय पुल्लिंग होते हैं। वे क्या होते हैं? क्या होते हैं वो? क्या होते हैं वो? पुल्लिंग शब्द होते हैं। क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे जैसे खाना, जैसे खाना, दाना, बुढ़ापा, बुढ़ापा, मोटापन, मोटापन, बचपन, बचपन आदि। जिसके अंत में क्या हो? आ, पा या पन हो, वो क्या होते हैं? वो पुल्लिंग शब्द होते हैं। जैसे खाना, दाना, बुढ़ापा, मोटापन, बचपन आदि। ये क्या है? पुल्लिंग शब्द है। क्या है? पुल्लिंग शब्द है। कुछ ऐसे संख्या शब्द और जिन शब्दों के अंत में ई, ईया या ई, ईया वट या हट होता है। क्या होता है? ई, ईया, वट या
हटे होता है वे प्राय क्या होते हैं? वे प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे लड़की लकड़ी नदी कुटिया मिलावट थकावट घबराहट आदि। ये क्या है? स्त्रीलिंग शब्द जिसके अंत में क्या हो, ईयावट या हट हो, वो शब्द क्या होते हैं? वो स्त्रीलिंग होते हैं। क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। ऐसे ही कुछ अपवाद शब्द भी होते हैं। क्या होते हैं? अपवाद शब्द भी होते हैं। जैसे जट्टा जरा माला आदि। ये क्या है? पुल्लिंग शब्द। क्या है? पुल्लिंग शब्द। और मोती पानी दही आदि। ये क्या है? स्त्रीलिंग शब्द। ये क्या है? कुछ अपवाद शब्द है। क्या है? कुछ अपवाद शब्द है। कुछ ऐसे संज्ञा शब्द है जो स्त्री तथा पुरुष के लिए समान रूप में प्रयोग किए जाते हैं। कुछ क्या होते हैं? कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो स्त्री व पुरुष के लिए समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं। किसके रूप में? समान रूप में प्रयोग किए जाते हैं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो स्त्री व पुरुष के समान रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति मंत्री इंजीनियर डॉक्टर खिलाड़ी आदि। ये क्या है? ये ऐसे शब्द हैं तो दोनों के लिए समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं, जो समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं। ओके, तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने लिंग के बारे में पढ़ा। किसके बारे में? लिंग के बारे में। लिंग के कितने प्रकार पढ़े? दो प्रकार, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। और हमने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द के बारे में अच्छे से पढ़ा। लिंग की पहचान तथा लिंगी क्या पढ़ी? लिंगी पहचान पढ़ी। ओके, तो आज आपको क्या करना है? आज आपको लिंग के बारे में अच्छे से पढ़ना है, लिंग के प्रकारों के बारे में अच्छे से पढ़ना है और लिंगी पहचान पढ़नी है। ओके, कल हम पढ़ेंगे परिवर्तन के नियम। क्या पढ़ेंगे? पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम, परिवर्तन के नियम। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम पढ़ते हैं लिंग परिवर्तन के नियम। ओके, थैंक यू बच्चों।